दोस्तों हमारा आज रात में पनीर बन रहा है, समझ के खा रहा है मछली समझ के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों खड़े खड़े थोड़ा सा बोर हो जा रहे हैं, माल नहीं मिल रहा है, माल का ऑर्डर नहीं आ रहा है, अब बरसात है, ये सब थोड़ा सा झेलना ही पड़ता है। तो दोस्तों यही फैक्ट्री के पास में खड़े हैं जहाँ खाली किए थे, रात में बारिश भी हुआ था तो अभी पता नहीं चल रहा अभी लोडिंग के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसे तो बातचीत चल ही रहा लोडिंग का, तो बोले हैं कि लोड हो जाएगा तो पार्किंग में ही खड़े हैं अभी। यहाँ पर क्या कि सुविधा मिल जा रहा है, थोड़ा गेट पे जाना पड़ रहा पानी के लिए, उधर डेढ़ एक किलोमीटर आगे बाज़ार है, जाना पड़ता है वहाँ बाज़ार, सामान वान मिल जा रहा है। यहाँ पर जगह हम लोग ऐसे ही जगह खोजते हैं कि खुला जगह, कोई बहुत ऐसा टेंशन ना हो। अब यहाँ से लोडिंग का ऑर्डर आ जाएगा तो सीधा निकल जाएंगे। गए थे बाज़ार तो सब्जी वब्जी लेकर आए हैं, तो ये हमारा आज का नाश्ता हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा बरसात, मतलब यही होता है कि बरसात में गाड़ी मार खाता है लोडिंग वोडिंग के लेके, तो वही सब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, लोडिंग मिल नहीं रहा। तो दोस्तों ये देखिए, कल गए थे थोड़ा चूड़ा लेकर आए हैं, अच्छा लग रहा चूड़ा ही हो रहा। इसी को करते हैं बरसात का मंडी, बरसात में गाड़ी वाला का पोजिशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, माल जल्दी मिलता नहीं है, लोडिंग नहीं होता है, तो इसी कारण है कि गाड़ी वाला का जो नया ऑनर रहता है, किस्ती वाला गाड़ी रहता है, तो यही बरसात में उसका किस्ती फेल हो जाता है, गाड़ी चल नहीं पाता है, किस्ती फेल हो जाता है। तो वही खैर, अपना तो खैर तगड़ा पार्टी है, गाड़ी तो इनका 15-20 गाड़ी है इस कंपनी में, ज़्यादा बड़ा पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, एक न एक तो चलते ही रहता है, उलट पलट करते रहता है किस्ती का पैसा। दोस्तों एक कमेंट आया था कि आप एमपी चले हैं कि नहीं, तो दोस्तों एमपी हम कई बार बता चुके हैं कि जब गुजरात चलते थे तो उधर से कटनी सिवनी जबलपुर होते हुए जाते थे, हम राजस्थान जाते थे, तो एमपी तो चले हैं, पहले तो छत्तीसगढ़ भी एमपी था ना, तो मेरे सामने छत्तीसगढ़ बना ही है। पहले हम लोग गाड़ी का नंबर MP23 था, रायपुर का नंबर था MP23। मेरा सामने उत्तराखंड बना है। हाँ, तेरा सामने ऊपर से उत्तराखंड कटा ना। हाँ। मेरा सामने उत्तराखंड बना है। तुम वही खड़ा था? हाँ, घर गए थे तो देखे थे। देखे ना इसका बाल। ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं, अब क्या करेंगे, बरसात में यही पोजिशन खराब रहता है हम लोग का, तो खड़े खड़े नाश्ता चाय पानी होते रहता है, तो चलती गाड़ी में तो इतना शौकीन खाना नहीं होता है, सही बता रहे हैं, टाइम नहीं रहता है। अब खड़ा है तो थोड़ा सा ये बना लिए, वो बना लिए, आज रात में पनीर का डिमांड किया है लड़का कि रात में पनीर बनाया जाए, अगर रहे तो ज़रूर पनीर बना देंगे, जाएंगे लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। दोस्तों थोड़ा एक थोड़ा पानी में हम भींग गए हैं, कल से मेरा सुबह से तबीयत पूरा बिगड़ा हुआ है, वही दवाई खा रहे हैं अभी। और एक दवा अभी खाना होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि गाड़ी में तबीयत खराब होने से क्या रखते हैं, ये देखिए हम लोग कहीं दर्द हुआ ये रखते हैं, ये भी दर्द का है, ये झंडू बाम है, और ये है जब कोरोना का टाइम में चल रहा था तो थोड़ा नाक में डालते थे, और ये दवा है पारासीटामोल, ये दवा हम लोग रखते हैं, ये हर चीज़ में ये एंटीबायोटिक है, ये रखते हैं। कल थोड़ा पानी में तबीयत पानी में थोड़ा भीग गया था, ये पारासीटामोल हम रखते हैं, और ये एक हम लोग का पास रहता है, ये आप पूछेंगे क्या है, तो कहीं बैठे बैठे जैसे कि ये दर्द हुआ या घुटना में, तो ये इसको लगा करके या इसको लगा, एक ही बात है, इसको लगा करके उसके बाद आप देखिए इसका आवाज़ सुनिए कितना वाइब्रेशन करता है। बाल टूट जाएगा। तो यही है दोस्तों, हम लोग थोड़ा बहुत मसाज कर लेते हैं इससे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, चाइना का माल है। दोस्तों 3 दिन बाद तो लोडिंग मिला हम लोग को, यहीं झाड़सुगड़ा में कंपनी में आए हुए लोडिंग के लिए, देखिए आगे कितना गाड़ी खड़ा है, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं लोडिंग में 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा,
ये पूरा सेफ्टी, टोपी जूता वोता सब पहन के रेडी हैं। अब गाड़ी अंदर घुसाएंगे तो देखते हैं। लोडिंग तो मिल गया है, ये लोडिंग मिला है कोल्हापुर का, कोल्हापुर जाना है यहाँ से अभी। तो लोडिंग तो मिल गया, अब लोड करेंगे, अब गाड़ी सब अंदर घुसेगा दोस्तों, करते हैं। दोस्तों वहाँ पार्किंग से निकल के यहाँ आए हैं, अब फैक्ट्री गेट के अंदर का पार्किंग नहीं है तो यहाँ अब अंदर खड़ा हुए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से फिर अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट होगा तो गाड़ी नंबर बताएगा अनाउंसमेंट में। बड़ा बड़ा कंपनी में यही होता है, डीओ कागज़ सब ओके हो जाएगा तब वहाँ से अनाउंसमेंट करेगा कि इतना नंबर गाड़ी वाले आओ। फिर हम जाएंगे वहाँ खिड़की में, हमको फिर गेट में कागज़ देगा, फिर जहाँ लोडिंग पॉइंट है उसको लेकर हम वहाँ पर जाएँगे, तब जाकर गाड़ी लोड होगा। अब गाड़ी वहाँ वहाँ का फिर अलग फंक्शन है, माल तैयार है नहीं है क्या है, ये बड़ा बड़ा प्लांट में थोड़ा ये सब झेलना पड़ता है। तो बहुत यहाँ सेफ्टी है, देखिए जूता टोपी है, ठीक है होना भी चाहिए, वो ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन ड्राइवर को भी थोड़ा सा होना चाहिए सुविधा जी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आराम है कि खलासी यहाँ आ सकता है, ये चीज़ का आराम है, खलासी के लिए कोई मना नहीं है, ये सिस्टम बने। बहुत कंपनी ऐसा था खलासी नहीं रहेगा, बाहर रहने का भी जगह नहीं, अब खलासी बैठेगा कहाँ रहेगा कहाँ, ये चीज़ का इस कंपनी में ठीक है। दोस्तों आप लोग जैसे कई कमेंट में बोल देते हैं और हम कंपनी बताते हैं ज़रूर है दोस्तों कि कंपनी में आए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हमको पता लगता है आप लोग करते ही है, कई आदमी किया भी है। दोस्तों हम फैक्ट्री प्लांट का नाम नहीं बताते हैं, उससे क्या होता है कि हो सकता है कि किसी फैक्ट्री वाला को तकलीफ़ लग जाए, इसी लेके दोस्तों आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि फैक्ट्री का नाम हम इसलिए नहीं बताते हैं दोस्तों कि हम का किस फैक्ट्री पे है क्या है। हम अपना ये दिखा सकते हैं कि हाँ हमको क्या सुविधा मिला क्या नहीं मिला, हम लोग क्या झेलते हैं, ये चीज़ दिखा सकते हैं बता सकते हैं, लेकिन अब फैक्ट्री का नाम अगर देना शुरू कर देंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगा दोस्तों, इसी लेकर के क्षमा चाहते हैं, हम फैक्ट्री का नाम नहीं बता सकते हैं। कहीं मान लीजिए किसी फैक्ट्री का वैसा आदमी के पास चला गया, वो कहेगा मेरा फैक्ट्री का बदनामी कर रहा है तो ये कर रहा है, इसलिए दोस्तों हम फैक्ट्री का नाम नहीं बताते हैं और यही अपना लोकेशन दिखाते हैं कि हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, अच्छा क्या बुरा, ये हम दोस्तों बताते हैं, बस यही मेरा ये है। क्योंकि बहुत आदमियों को हम देखे हैं कि फैक्ट्री का नाम नूम बताना तो हमको वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि किसी का भी बिजनेस है धंधा है, हम क्यों उसको उसके विषय में बुराई बतियाए। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं लोडिंग का कब तक क्या होगा। दोस्तों हमारा आज रात में पनीर बन रहा है, आज हम लोग पनीर बना रहे हैं, तो बाहर में ये देखिए मेरा सारा मटेरियल कट कर तैयार है, ये पनीर है। अभी सावन में सब बंद है तो यही सब चल रहा है, अभी पनीर ही खाना है, अभी मिल जाता है तो बनाते हैं, नहीं मिलता है तो भगवान भरोसे। तो आज भी देखिए आज पनीर मेरा बन रहा है, पनीर बनाते हैं दोस्तों। ये मेरा सारा मटेरियल काट के तैयार है, ये सारा चीज़ें, ये पनीर है, टमाटर वगैरह भी सब है, हमारा हर चीज़ जो है धो धा के ही काम होता है। टमाटर बारीक, जितना बारीक हो सके उतना बारीक करो। ये दोस्तों हमारा पनीर चला तेल के अंदर, बहुत से जगह पे पनीर को नहीं चलता है, वो लोग ऐसे ही मतलब बना देता है, हम लोग का वैसा आदत नहीं है दोस्तों। पनीर हो हम लोग ऐसे कर नहीं करेंगे तो मज़ा ही नहीं आता है। बहुत जगह महाराष्ट्र में देखें अंडा को भी, अंडा को सिर्फ उबाल देता है और अंडा कड़ी बना देता है, तो हम ऐसा नहीं खाते हैं, अपना अपना पसंद है सबका, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब ख़राब है। कई बार होटल में अंडा कड़ी बोले हैं तो अंडा कड़ी देखते हैं सफ़ेद अंडा रहता है, उसी को तरी में डाल दिया बस हो गया। पनीर भी कई जगह देखे हैं कि ऐसा ही, तो वैसा नहीं, हम लोग थोड़ा तल के निकाल लेते हैं, चाहे अंडा कड़ी हो या ये हो। ये देखिए दोस्तों हल्का मतलब तलना है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा लाल कर देना है। ये मेरा पनीर हो चुका है, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा करने से हार्ड हो जाता है, तो ये हल्का जो है थोड़ा हल्का सा लालपन हो गया, बस इसको निकाल देना है। तो बस क्या है कि इसके अंदर फिर मसाला बढ़िया से नहीं जाता है, जैसे मछली कैसे होता है ज़्यादा हार्ड कर दिए तो
अंदर मसाला नहीं जाता अच्छी तरह से, उसी टाइप का इसका भी है हल्का सा। चलिए निकल गया ये, अब इसमें मसाला में थोड़ा जीरा गोलकी जाएगा, तेजपत्ता, लहसुन का ऐसा है कि हम कौन सा मार ये है, लेकिन हमको भी कोई बताया था कि लहसुन पहले डाल देने से लाल होता है, इसमें अगर प्याज पड़ गया ना फिर लहसुन लाल नहीं होता, वो सफ़ेद ही रह जाता है, इसीलिए के लहसुन को पहले डाल देते हैं। अब इसमें मिर्चा डाल देते हैं, अब इसको प्याज को लाल होने देते हैं, क्योंकि मेन तरी देखिए प्याज का ही बनता है, प्याज अगर अच्छी तरह से लाल नहीं होगा छोड़ दीजिएगा तो तरी का काम जो है प्याज का ही है। ये मेरा प्याज जो है लाल हो गया है, अब इसमें हम मसाला डाल दिए। अब ये टमाटर ऐसे ही बनता है क्योंकि हमारे पास तो मिक्सर उक्सर है नहीं, इसमें और भी आइटम लगता है जैसे बादाम हो गया, उसके बाद काजू हो गया, और एक आता मगज दाना, और मगज दाना पोस्तू जिसको पोस्ता भी बोलते हैं, वो सब साथ में मिक्सर में पीस करके घर में हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ वो सब उपाय है नहीं मेरे पास। ये भी एक मटेरियल है दोस्तों, पनीर को तरी को गाढ़ा करने के लिए ये भी एक जाएगा, आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, पाएंगे नहीं कि वो क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा ये हम क्या डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये तरी बन गया, अभी और थोड़ा सा मसाला भुजाएगा, अभी ये मेरा पनीर इसमें चला, अब क्या है कि इसके अंदर में पनीर जो है मसाला भी अंदर जाएगा, मसाला भी हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोग गाड़ी में खाना बनने का ये तरीका है, ये हमारा छोटा सा रूम ही है, इधर हाथ बढ़ाओ ये ले लो, उधर हाथ बढ़ाओ ये ले लो, पानी इधर हाथ धो लो। ये देखिए तरी इसमें गाढ़ा बन गया तरी, ये देखिए। अब इसमें जनवरी का महीना रहता है तो मटर मिला देते हैं तो मटर पनीर बन जाता है, काबली चना होता तो वो डाल देते हैं तो काबली चना पनीर हो जाता है ये। ठीक है दोस्तों ये मेरा सब्जी बन चुका है, अब थोड़ी देर बाद रोटी बनेगा, अब रोटी बनाने काम है रोहित का। देखिए दोस्तों अभी आटा सान रहे हैं, आटा सान के रोटी बनाएंगे, सावन है ना, थोड़ा सावन में दिक्कत होगा। अब देखिए दोस्तों अभी रोटी बना रहे हैं, उस्ताद का काम था सब्जी बनाना तो सब्जी बना दिया, पनीर का सब्जी बना है, हमारा रोटी बनाने का है तो हम रोटी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों रोटी बना के मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा आज का पनीर का सब्जी निकल रहा है, ये हमारा पनीर मसाला, ला रोटी ला इधर, गजब। ये देखिए रोटी, ये रोटी और ये पनीर का सब्जी, होटल फेल, मछली का जैसा बन गया है फोन में, मतलब वही समझ के खाया का, पनीर बना है एक चिकन समझ के खा रहा है, आप लोगों को देखने से मालूम चल रहा है कैसा बना है, खास समझ के खा रहा है मछली समझ के सावन है ना, भक्त हैं तो मजबूरी है, थोड़ा पालना पड़ता है अपना धर्म, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ धर्म भी होता है नियम भी होता है उसको लेके चलना चाहिए आदमी को। खाना पीना क्या है, कभी भी कुछ भी खा सकता है आदमी। ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। दोस्तों हमारा गाड़ी तो आज लोडिंग में आ चुका है,
आज मेरा अंदर प्लांट के अंदर लोड हो रहा है दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक लिए बाय दोस्तों।